नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। हमारा जो आज का वर्ड है वो है एगोनिस। एगोनिस क्या होता है? एगोनिस ऐसे एजेंट हैं या ऐसे सब्सटेंस हैं जो रिसेप्टार पे बाइंड होकर के रिसेप्टार की एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। कौन सी एक्टिविटी? को वो एक्टिविटी जो कि रिसेप्टार तब देता जब उस रिसेप्टार पे कोई नेचुरल फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के बाइंड होते। आपको मालूम होगा तो हम बता सकते हैं, ड्रग अकेला कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वैसे रिसेप्टार कोई अपना अकेला रिस्पॉन्स शो नहीं करता। जब ये ड्रग अपने रिस्पेक्टिव या पर्टिकुलर रिसेप्टार पे बाइंड होते हैं तब जाकर के बनता है ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स, और इन दोनों के कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ही कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन अचीव हो सकता है। तो अगर हम एगोनिस के बारे में बात करते हैं तो एगोनिस ऐसा सब्सटेंस होगा जो एक्चुअल में रियल न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं होगा या न्यूरो नेचुरल फिजियोलॉजिकल सिग्नल नहीं होगा, बावजूद इसके वो उस रिसेप्टार के पास जाकर के बाइंड होगा और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को इनिशिएट करेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि कोई नेचुरल फिजियोलॉजिकल सिग्नल कर रहा होता। दिस इज कॉल्ड एगोनिस्ट इफेक्ट ऑफ ड्रग। एगोनिस्ट इज अ एजेंट विच एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस द एक्शन एज लाइक अ नेचुरल और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बिकॉज ओनली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैन बी अचीव व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर। सिंगल ड्रग कैन नॉट गिव इफेक्ट एंड अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। सो इफ यू वॉन्ट टू गेट एनी इफेक्ट और बायोलॉजिकल इफेक्ट, द ड्रग हैज टू बाइंड विद द रिसेप्टर एंड अल्टीमेटली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स दैट इज द मेन कॉज फॉर द एक्शन ऑफ ड्रग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस ऑल फॉर द डे। थैंक्स अगेन।